ऑल राइट, तो आज हम बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी की, यानी कि चाइल्ड कस्टडी आप कैसे लो बिल्कुल सरल शब्दों में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास दो तरह की चाइल्ड कस्टडी होती है। आर यू गेटिंग? दो तरह की। पहली होती है कि अगर हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स चल रहा है, कोई मेंटेनेंस का केस चल रहा है, कोई सेक्शन 9 का केस चल रहा है, यानी कोई भी केस चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तब आप कस्टडी ले सकते हो। दूसरा होता है सेपरेट कस्टडी, यानी कि आपका कोई केस नहीं चल रहा, बस आप हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, एकदम प्यार जग गया कि भी बच्चों को ले लेते हैं, बच्चों से यानी कोर्ट की नज़रों में, कोर्ट के थ्रू बच्चों को ले लेते हैं, दूसरे वाला सेपरेट वाला। तो पहला वाला क्या होता है, सपोज हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स का केस चल रहा है, ओके, तो तब आप एक 26 सेक्शन 26 की एप्लीकेशन आपको मूव करनी पड़ती है कि भाई जिस पार्टी को भी बच्चे चाहिए उसको मूव करनी पड़ती है। सपोज मदर को चाहिए तो मदर करेगी, हस्बैंड को चाहिए तो हस्बैंड करेगा। आर यू गेटिंग? तो कोर्ट इंटरिम भी सुना सकती है, फाइनल ऑर्डर भी सुना सकती है, यानी कि जब तक डाइवोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता जो डाइवोर्स की प्रोसीडिंग है, तब बीच में एक ऑर्डर पास कर देगी, इंटरिम ऑर्डर, कि भाई जो बच्चा है वो माँ के पास रहेगा, जो बच्चा है वो उसके पास रहेगा, इसका मेंटेनेंस दो, ऐसे वगैरह वगैरह। ओके, अब गोल्डन रूल क्या है चाइल्ड कस्टडी का? चाइल्ड कस्टडी का गोल्डन रूल ये है कि अगर कोई छोटा बच्चा पाँच साल से छोटा है, ओके, अगर 5 साल से छोटा या 5 साल का है, तो उसकी कस्टडी हमेशा हर बार मॉम के पास जाएगी, यानी उसकी मॉम के पास जाएगी, बच्चे के पास जाएगी, सॉरी मॉम के पास जाएगी हमेशा। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 5 साल का जो बच्चा है वो आपको पता है। ये हो गया हिंदू के केस में। अगर आप मुस्लिम हो या फिर मुस्लिम वाला केस है आपका, तो 7 साल तक एज लिमिट है, यानी कि 7 साल तक जो बच्चा है वो माँ के पास रहेगा, 7 साल से पहले आप उसको नहीं ले सकते, क्योंकि कोर्ट ये सोचता है जो 7 साल या 5 साल तक जो उम्र है वो बच्चे की माँ के पास रहने की है। आर यू गेटिंग? सोचता क्या वो है भी है जनरल अब देखा जाए तो। नेक्स्ट आता है सेपरेट कस्टडी लेना। सपोज आपका कोई केस नहीं चल रहा, यानी कि आपका कोई मेंटेनेंस का केस नहीं चल रहा या कुछ नहीं चल रहा, अब वाइफ क्या अपने बच्चों को लेके अपने मायके ले गई है, अब हस्बैंड अकेला रहता है, तो उसको एकदम याद आया कि यार बच्चे लेने हैं भाई मुझे, उसको पता नहीं क्या कि बच्चे लेने हैं, तो उसको लेना है, तो उसको गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, ओके, तब जाके उसको कस्टडी मिलती है बच्चों की। वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दे या ना दे, जरूरी नहीं है उसको मिले ही कस्टडी, ओके। अब मैं आपको गोल्डन रूल बता देता हूँ, एक्चुअली कोर्ट क्या देखता है, कोर्ट देखता है वेलफेयर, यानी कि जो बच्चे का वेलफेयर वो किसके पास है, माँ के पास या बाप के पास। अब देखो जनरली क्या होता है, बाप होता है वर्किंग, हस्बैंड क्या करता है यानी फादर होता है जो बच्चों का, वो वर्किंग होता है, उसको काम होता है। आर यू गेटिंग? तो वो बच्चे संभालेगा या वो काम करेगा, अगर चलो वो काम कितने दिन छोड़ देगा, एक दिन छोड़ देगा, 2 दिन, 1 महीने, 10 दिन, लेकिन बच्चों का तो वो है ना कि भाई 24 आवर्स उनकी केयर करनी पड़ती है, उनका स्कूलिंग, टिफिन, पता नहीं क्या क्या। आर यू गेटिंग? तो चांसेस कम होते हैं कि यार फादर को मिले। अब ऐसा नहीं है फादर को मिल नहीं सकती, लेकिन मिलती है, वो रेयर केस में मिलती है, लेकिन जनरली ऐसा होता है नहीं मिलती। कोर्ट को भी पता है कि भाई जो बच्चे की वेलफेयर है वो माँ के पास ही होती है, वो भी छोटा बच्चा। आर यू गेटिंग? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे तो भाई पेरेंट्स को यानी कि जो फादर है उसको चाइल्ड कस्टडी मिलेगी ही नहीं, तो देखो ऐसा भी नहीं है बिल्कुल, जो रेयर केस होते हैं उनमें मिल भी जाती है, लेकिन जो मेजोरिटी होती है वो मॉम को यानी कि मम्मा को ही मिलती है, बच्चे की माँ को ही मिलती है, ओके। अब इसका हमारे पास दूसरा उपाय है, सपोज आपको कस्टडी नहीं मिली, छोड़ो नहीं मिली, तो आप क्या करो, विजिटिंग राइट्स, यानी कि अपने विजिटिंग राइट्स अप्लाई करो कि भाई आपको मिलने की परमिशन दी जाए, तो आप मिलने की परमिशन दीजिए, वो महीने में एक बार भी हो सकती है, हफ्ते में एक बार या हर दिन, जो भी आपको लगे, जो भी कंसिडरेशन करे कोर्ट, ये सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स के ऊपर, क्योंकि कोर्ट देखता है वेलफेयर, ओके। अब ये नहीं कि आप डेली बच्चे से मिल रहे हो, बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हो, आर यू गेटिंग, वो देखता है वेलफेयर कहाँ है बच्चे का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो सपोज माँ के पास चाइल्ड कस्टडी है, ओके, तो क्या जो बच्चा है वो बाप से मेंटेनेंस ले सकता है? तो आंसर ये है कि बिल्कुल ले सकता है, जब तक वो 18 साल तक का नहीं हो जाता तो बाप से मेंटेनेंस ले सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसका इफेक्ट क्या है, तो देखो इफेक्ट ये है कि सपोज जो बच्चा है ना वो आपका ही है, भले ही वो वहाँ पे रह रहा हो, अपनी माँ के पास रह रहा हो कस्टडी में, लेकिन वो बच्चा आपका है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हमारा है, तो देखो वो कल को जब बड़ा होगा ना, सपोज वो बड़ा होता है हालांकि वो आपके पास नहीं रह रहा, तो वो आपसे प्रॉपर्टी में राइट मांग सकता है, यानी कि उसका प्रॉपर्टी पे आपका पूरा हक बनता है, भले ही वो आपके पास ना रहा हो, लेकिन उसका प्रॉपर्टी में पूरा राइट बन सकता है, फिर वो एक चिल्ड्रन हो, 2 चिल्ड्रन हो, कुछ भी हो। आर यू गेटिंग?
तो कस्टडी लेनी है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो प्रोसीजर ये है, आपको एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप विजिटिंग राइट्स लेके दिल को सुकून दे सकते हो। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। बाय।